दोस्तों, दवाइयों से संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल यूनिक मेडिसिन को और घंटी का बटन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। आज की वीडियो का टॉपिक है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में जानकारी देना, और हम जानेंगे इस टैबलेट का क्या यूज़ है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किन पेशेंट को ये लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए, और नॉर्मल इस दवाई का घर में होना किस लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट की एक स्ट्रिप, जिसमें आती हैं 10 गोली यानी 10 टैबलेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी इसका नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन है, और नॉर्मल अगर हम एमआरपी की बात कर लें तो 60 से 70 रुपये की ये 10 गोली का स्ट्रिप मार्केट में आपको मिल जाता है। ये दवाई आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अपने जेनरिक नाम एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल के नाम से मेरे हाथ में ये स्ट्रिप आप देख रहे हैं। ये जेनरिक मेडिसिन है और अपने जेनरिक नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा इसके ब्रांडेड नाम भी हैं जो मार्केट में अलग अलग नाम से आपको मिल जाती है। दोस्तों, जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट, मैक्सिमम इस टैबलेट का जो काम है वो दर्द को दूर कर, अलग अलग प्रकार के पेन को ये दूर करती है, जैसे जॉइंट पेन है, टूथ पेन है, दांत का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सर दर्द है, बॉडी का दर्द है, बुखार है, बुखार से होने वाली बॉडी की अकड़न है या टूटन है। इसके साथ ही साथ अगर कान में दर्द है, वायरल फीवर है या स्वेलिंग वगैरह हो रही है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके ब्रांडिंग नेम की। तो ब्रांड नेम में इसका जीरोडॉल पी, जीरोडॉल के नाम से ये मार्केट में नॉर्मल आती है, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल दोनों का ही काम लगभग सेम है, लेकिन ये फिर क्यों दी गई है। एसिक्लोफिनेक दर्द बुखार सूजन को कम करती है, जबकि पैरासीटामोल बुखार के लिए है। तो यहाँ पैरासीटामोल जो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करके जब हाई टेम्परेचर होता है उसको कम करती है और बुखार को ख़त्म करती है। इसके साथ ही साथ एसिक्लोफिनेक दर्द और जकड़न यानी किसी भी तरह का पेन होता है, सूजन होती है, उसको ख़त्म करती है। तो इन दोनों दवाइयों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है ये, तो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करके रोगी को जल्दी से ठीक कर देती है और उनको बहुत अच्छा आराम पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में इसके फ़ायदे और इसकी जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको यही देखने को मिल जाते हैं कि नोज़िया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, चक्कर भी आपको आ सकते हैं। तो ये कॉमन से नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं इस दवाई के। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवाई के साथ और किस तरह से इस दवाई का यूज़ करना है और डॉक्टर किस तरह से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, अगर रोगी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो एक एक टैबलेट सुबह शाम डॉक्टर लिखते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है तो एक टैबलेट सुबह या शाम किसी भी समय ले सकते हैं और वो इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके साथ रेंटिडिन या ओमप्राजोल का कॉम्बिनेशन भी लगाया जाता है, ताकि ये दवाई जो गैस बनाती है वो किसी रोगी को गैस बनने से, उसको गैस को बनने से रोका जा सके और उसको रोगी को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील ना हो। बात कर लेते हैं कि इस दवाई को कौन नहीं ले सकता है। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम है उनको, या अल्कोहल पीते हैं, या इसके साथ ही साथ जिनके अल्सर वगैरह होता है पेट में, या प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई गैस्ट्रिक वगैरह भी प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ रेंटिडिन या ओमप्राजोल का कॉम्बिनेशन लगाया जाता है तब जाकर इसको दिया जाता है। तो इस तरह के पेशेंट इसको ना लें, और हमेशा कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे मिलें, उनकी सलाह के अनुसार ही दवाई को लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में एक जानकारी कि दवाई क्या है, क्या इसका यूज़ है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।